हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है, दैट इज़ माउथ के बारे में। ठीक है, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर माउथ के बारे में। ह्यूमन माउथ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो ह्यूमन माउथ होता है बेसिकली उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी, और ऑल्सो वी कैन से बक्कल कैविटी। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है? द वेस्टिब्यूल इज अ स्लिट लाइक स्पेस बाउंडेड एक्सटर्नली बाय लिप्स एंड चीक्स एंड इंटरनली बाय द गम्स एंड टीथ। वेस्टिब्यूल एक स्लिट लाइक स्पेस होती है जिसे बाउंड करके कौन रखता है? एक्सटर्नली कौन करेगा? लिप और चीक। ठीक है, और इंटरनली उसे कौन बाउंड करके रखेगा? गम्स और टीथ। ठीक है, तो बेसिकली वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल एक स्लिट लाइक स्पेस है जिसको बाउंड करके रखते हैं एक्सटर्नली लिप्स और चीक्स, और इंटरनली गम्स एंड टीथ। उसके बाद बात करते हैं ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के बारे में। इट इज़ इनर पोर्शन ऑफ द माउथ विच हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये क्या है? हमारा इनर पोर्शन है किसका? माउथ का, जिसको बहुत सारी चीज़ों, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। तो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में कितने पार्ट होते हैं? फर्स्ट इज पैलेट, सेकेंड इज टंग, एंड द थर्ड वन इज टीथ। ठीक है, तो पैलेट, टंग, टीथ। पैलेट, टंग और टीथ के अंदर ये किस में आएंगे? हमारी ओरल कैविटी के अंदर आएंगे। और ओरल कैविटी किसके अंदर आएगी? हमारी माउथ के अंदर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये माउथ के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? पर्टिकुलर पैलेट के बारे में, देन टंग और टीथ। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।